तो आज के हमारे इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेटा सिलेक्शन। ये हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम बात कर रहे हैं डेटा सिलेक्शंस की। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डेटा सिलेक्शंस का हम दूसरे दिन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरे दिन हम जो है इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम कुछ भी करने से पहले, कुछ भी हम कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको पिवट लगाना है, अगर आपको फिल्टर करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी करना है तो क्या चाहिए आपको, आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो डेटा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर माउस से सिलेक्शन की बात करें तो आप लोग क्या करते हैं, माउस को क्लिक करते हो, डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर, लेकिन माउस से ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक काम और कर सकते हैं कि आप ऊपर जो इस पे क्लिक करें, शिफ्ट की को होल्ड करें, कीबोर्ड का शिफ्ट की, और नीचे क्लिक कर, ये आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम ऊपर सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके जब नीचे सिलेक्ट करते हैं तो कर्सर मूव होता है, फिर कर्सर मूव भी सिलेक्ट होता है, नॉर्मली मूव होता है, बट शिफ्ट के साथ जब करते हैं तो कर्सर क्या होता है, सिलेक्ट विद मूव होता है, ठीक है सर। उसी तरह से यहां भी है। अब कीबोर्ड से बात करें तो जने लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से आपका डेटा सिलेक्ट होता है। लेकिन कंट्रोल ए किसको ट्रिगर करता है, तो ये आपका होम मेनू बार के अंदर ही फाइनेंस सिलेक्ट है, गो टू स्पेशल है। इसी गो टू स्पेशल में आप देखेंगे यहां पे करेंट रीजन, इस करेंट रीजन को ट्रिगर करता है जिससे आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं सिलेक्ट, कंट्रोल ए अगर आप करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो या कॉलम नहीं होना चाहिए। तो जब ब्लैंक रो या कॉलम होगा, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इस ब्लैंक से ऊपर का ही डेटा आपको सिलेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल ए करते हैं कब, जब कॉलन ब्लैंक हो तो कॉलन से पहले का डेटा ही सिलेक्ट होगा। तो ज्यादा बहुत बड़ा डेटा होता है तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। कई बार क्या होता जैसे है कि हमारे पास, बोलिए सर, हमारे पास जैसे कोई डेटा है और सपोज करो मार्क्स ही हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हो सकता है कि उसके मार्क्स जीरो हो, उसमें कुछ होना या निल हो, नहीं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लैंक की बात कर रहा हूँ। ब्लैंक, मैं पूरी बात समझ लीजिए, हमने बात की पूरी रो ब्लैंक की। हाँ, बीच में अगर अच्छा जीरो लिखा हुआ है तो इसको कंसिडर, जीरो भी फिल होगा, सेल वैल्यू फिल है, और मैं पूरी की पूरी कंप्लीटली ब्लैंक की बात कर रहा हूँ। बीच में किसी भी एक सेल में अगर टाइप होगा तो फिर कंसिडर कर ले, कंट्रोल ए कंसिडर कर ले, समझे कि नहीं सर। चंदन जी समझ में आया आपको? हाँ जी आ गए। चलिए आगे बढ़े। तो सिलेक्शन करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, तो मैं बताता हूं, उससे पहले आपको क्या करना होगा, इसको नीचे की तरफ इस तरह से मूव करना हो, तो कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो करते हो तो कर्सर मूव होता है, अप करते हो, लेफ्ट करते हो, इस तरह से कर्सर मूव होता है ना। सबसे लास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल डाउन एरो, सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं, क्या सर जी। तो उसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट के साथ उसके कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, इससे क्या होगा कि बीच में अगर कोई ब्लैंक रो है तो आपका कर्सर वहीं पे आके रुक जाए, ठीक है ना, इससे आपका पीछे का डेटा दिक्कत नहीं होगी। कई बार ऐसा दिखा गया है
मेरे साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा देखा गया है कि आप डेटा सिलेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि आपने देखा कि पूरा डेटा आया ही नहीं, हाँ जी तो रीजन क्या होता था? रीजन यही होता था कि आपने डेटा आपका नीचे ब्लैंक था, आपने चेक किया नहीं, डायरेक्ट आपने पिवट लगा दिया, डायरेक्ट आप कॉपी कर लिए, डायरेक्ट आप पेस्ट कर लिए, लेकिन नीचे हाँ डेटा था जो कि आपने चेक नहीं किया। जी एक गलती मुझसे भी हुई है कई बार और बहुत सारे लोगों से भी गलती होती है, ठीक है ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़े, हाँ जी चलिए। बात करते हैं कि सिलेक्शन के और तरीका भी है। जी हाँ, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपका एंड बटन है उसको प्रेस कर दें, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के हाँ साथ जी आप करें नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्ट हो जाएगा, अप होम, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड किया तो ब्लैंक ही बहुत सारा सिलेक्ट हो गया, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड जो है क्या करता है? कंट्रोल शिफ्ट एंड करता है आपका जो भी यूज्ड सेल है उसको सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड या होम या आपका एंड जो है वो डेटा सेलेक्ट नहीं करता है, जितना सेल आपने यूज किया है उतना सेलेक्ट करता है। अगर सिर्फ डेटा ही आपके पास है तो आप इसको इजीली से कंट्रोल शिफ्ट एंड से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा के पूरा सीट सिलेक्ट नहीं करना होता है, पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं, कुछ कुछ डेटा चाहिए होता है, तो हम हाँ कंट्रोल जी प्रेस करके हम क्लिक करते चले जाए, जहां भी क्लिक करेंगे वो आपका सिलेक्ट हो, ठीक है। हाँ जी पहले एक नॉर्मल क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके जहां जहां चाहिए वहां वहां क्लिक कर लें। अब इसको डिलीट कर सकते हैं, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप कॉपी करेंगे आपको यहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, हाँ जी ठीक है। हाँ समझे। जी लेकिन कॉपी करने का एक तरीका है, जैसे कि आपने एक सीक्वेंस में सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने इसको इस तरह सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं। दो सेल है तो आप यहां से एक से दो सेल इस तरह सिलेक्ट कर लें, यहां भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अब मैं इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं, सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर क्लियर है। क्लियर। लेकिन इसी साथ, इसी सेम जो हम सीट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कई सारे शीट्स हैं, मुझे हर शीट पे कुछ ना कुछ लिखना है, मतलब डेट लिखना, मान लीजिए हर शीट पे क्या करना है, डेट लिखना है, तो हमने पहले सीट को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट को होल्ड करेंगे और सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सीट यहाँ सिलेक्ट हो गया और ऊपर फाइल के नेम के साथ आपको ग्रुप लिखा हुआ है, हर ऐसा ग्रुप लिखा हुआ। हाँ जी हाँ जी अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया डेट और यहाँ आज का डेट डाल दिया, अब मैं किसी भी सीट पे जाऊंगा, देखेंगे हर सीट पे एक ही बार में डेट डल गई, चल गई हाँ जी एक ही साथ।
यहां हम इसको क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं। तो कंट्रोल के साथ हमने C1, C5 और C2 पे सिलेक्ट किया। जहां भी हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया टाइम, तो यहां पे टाइम दे दिया। हाँ जी, अब कहीं भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा? टाइम दिख आ रहा सर? जाएगा। टाइम आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है सर। दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े। अच्छा, हाँ जी, तो ये थी डेटा सिलेक्शन। अब बोलेंगे सर, इतने सारे आपने सिलेक्शन की शॉर्टकट बताए, मुझे पता नहीं याद होगा या नहीं होगा या भूल जाऊंगा, बस ऐसी हो सकती है ना सर। हाँ जी, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको सिलेक्शन सीट्स के शॉर्टकट्स यहां आपको मुहैया करा देना है। तो आप इसको एक बार अपने हिसाब से यूज कर लीजिए, ठीक है, ठीक ठीक है? ठीक है सर। है सर। सर इनमें से ज़्यादा यूज़ किसका, यूज कौन किसका, से होते कौन हैं, से मतलब होते जो हैं? हैं ये? नहीं, कंट्रोल ए के ज्यादातर यूज होता है। सॉरी, सॉरी, कंट्रोल ए। ओके। हम बात करते हैं कि सर हम किसी तरह हाईलाइट का, बोलिए क्या बोले। हाईलाइट हाईलाइट कर दीजिए जो कर ज़्यादा दीजिए यूज़ जो होते ज्यादा हैं यूज उसमें, होता शीट में। है। ये मोस्टली देखिए, ये नहीं समझ रहे कि आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा यूज होता है। अगर डेटा आपका नॉर्मल है तो कंट्रोल ए, समझ गए। हाँ जी, लेकिन अगर आपका डेटा अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से यूज की जाती है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, समझ गए। हाँ जैसा जी, डेटा होगा उस तरह से सिलेक्शन करेंगे आपका। डेटा में कुछ दिक्कत नहीं है तो कंट्रोल ए कीजिए, यूज कर लीजिए। डेटा ब्लैंक है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर लेना पड़ेगा, पेज डाउन पेज अप लेना पड़ेगा या फिर एंड लेना पड़ेगा। तो ये सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने हिसाब से इसका यूज कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। यहाँ पे बात करते हैं टाइपिंग की, कि हम एक्सेल में टाइपिंग कैसे करें, ठीक है? टाइपिंग, ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, जब आप टाइपिंग की बात करते हैं तो जब भी हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो हमेशा वो होता है आपका राइट में, और जब भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वो होता है हमेशा लेफ्ट में। ये इंडिकेशन है। हाँ जी, कभी कभी हम नंबर को भी टेक्स्ट में टाइप करते हैं, नॉन कैलिग्राफिक जो नंबर होता है उसको भी इस तरह से हम टाइप कर देते हैं, ठीक है? ठीक, ठीक है। दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नंबर और टेक्स्ट अगर टाइप करते हैं तो ऑलवेज टेक्स्ट होता है, इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। सिंपल, ओके। नंबर भी एंट्री करेंगे तो याद रखिएगा इसमें आप इस तरह से डबल कॉमा अगर कर देते हैं तो फिर वो एक ही माना जाएगा इसका अगर नंबर आ जाए। दिख गया सर? ठीक है, ठीक कभी कभी क्या होता है इसमें तीन नंबर, मान लीजिए मुझे तीन, हमारे पास कोई कोड है तो 1 2 3 कॉमा 369 कॉमा इस तरह से लिख दिए, तो ऐसा नहीं इस तरह से कॉमा में जाएगा और नंबर में कन्वर्ट होके इसको इस तरह से 1000 डेसिमल सेपरेटर दिखा देगा। ठीक तो उस है। केस में आप सिंगल कोट लगाएंगे और जो लिखना लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है, ये टेक्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? टेक्स्ट। टेक्स्ट, उसी तरह से अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि मुझे यहाँ पे लिखना है MRP, यहाँ पे MRP 500,
पर प्रॉब्लम है कि मैंने मैनुअल लिख दिया, यहाँ ऊपर देख सकते हैं इस डबल क्लिक करने पे भी दिखेगा और ऊपर भी दिखेगा कि पूरा एमआरपी 500 दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ जी तो इसलिए इसका मतलब है कि इसमें हम किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन हाँ मुझे जी ऐसा चाहिए कि दिखे एमआरपी 500 और हम कैलकुलेशन भी कर सके। हाँ जी ओके, हाँ जी तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए मैं 500 लिख रहा हूं और इसके ऊपर हम जा रहे हैं यहां पे, और जाने के बाद कस्टम पे आके यहां इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी लिख दिया। हमने क्या किया, डबल कोटेशन मार्क में, ध्यान रखिएगा, डबल कोटेशन मार्क में हमने क्या किया, एमआरपी लिख दिया। एमआरपी ऐड कर दिया। उसके बाद जीरो लिखना जरूरी है, यहां ऊपर आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा, सैंपल है ना। ओके कीजिए। अब जो है, अब ये दोनों देखने में एक जैसा है, तो ये एक्चुअली में एमआरपी 500 है और ये जस्ट विजुअल एमआरपी 500 है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 500। तो डेटा दो तरह की होती है, एक्चुअल हाँ जी एंड विजुअल। तो जब भी फॉर्मूला या कैलकुलेशन वर्क होता है किस पे होता है, एक्चुअल पे वर्क होता है, विजुअल पे नहीं। जैसे हमने 50-20 किया तो इसमें क्या हुआ, फिगर लग गया 520। और यहां पे आपके सामने दिख गया सर। हाँ जी क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम टाइप करने की। तो डेट टाइप करने से पहले आप अपने सिस्टम डेट को देखें। मेरा सिस्टम डेट है MMDDYY, यहां नीचे सिस्टम डेट दिखेगा, MMDDYY, ठीक है। ठीक है सर। तो यहां हम डालेंगे 12/12, और करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है। 12/12 माने कल की डेट डालना हो तो 11/12 करेंगे, मतलब पहले डेट फिर मंथ। आपका अगर MMDDY हुआ है तो पहले मंथ फिर डेट, डेट समझे। हाँ सेम जी टाइम की बात करें तो टाइम, जैसे कि मुझे अभी का डालना है, तो अगर 6 बज के अगर मैंने यहाँ पे 24 मिनट डाल दिया तो यहाँ AM PM लगाना जरूरी है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो AM ही मानेगा। हाँ जी 6:24 हमने डाला तो यहाँ पे हमें करना है AM या PM। AM की डालने की जरूरत नहीं है, PM डालना पड़ेगा, या फिर 24 आवर 18:24 आप दे दीजिए, समझ गए। दूसरी हाँ जी चीज, जब भी कुछ टाइप करते हो सेल के अंदर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सुजीत कुमार, तो ये सुजीत कुमार एक सेल के अंदर टाइप हुआ, एक सेल की वैल्यू हो गई। आप बोले से EF में बढ़ रहा है तो दिख रहा है, यहां पे कुछ टाइप करेंगे तो छुप जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी कॉलम को बड़ा कर लीजिए तो थोड़ा दिख जाएगा। हाँ अब जी बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। देखिए, इसके अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन आसानी से करें, जो दिख रहा है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर, ये पावर है। तो 10² हाँ निकालना जी हो तो 10 इसका दे दीजिए अपना सिंबल, शिफ्ट के साथ 6 होता है, और यहां पे 2 आ गया आपका 10²। हाँ अब जैसे जी मुझे इस सारे नंबर में 20 ऐड करने हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद प्लस करूंगा 20, नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, ये आपका आ हाँ जाएगा। जी लेकिन राइट अगर सेम चीज हमें करना हो तो यहां पे क्या हुआ, ये आपका A2 था, नीचे आ गया A3, A4, हाँ A5 आ गया ना, जी बढ़ता हुआ क्रम में आ गया, एक बेनिफिट है। हाँ जी लेकिन राइट यही चीज मैं करता हूं कि A2+D1, D1 तब क्या होगा, नीचे अगर ड्रैग करता हूं तो क्या हो गया, D6, D6 यहां पे हाँ देखिए, जी D2 आ गया, D3 आ गया, क्योंकि हाँ जी हाँ गलत जी है, D1 फिक्स होना चाहिए था ना। हाँ जी तो यहां हम D1 के आगे डॉलर का साइन लगा दिया, कि रो को हमें एब्सोल्यूट करना है, तो हमने रो के आगे डॉलर साइन लगा दिया, नीचे की तरफ ड्रैग किया हाँ और ये जी देखिए नंबर्स आपके सामने आ गए, ठीक है ठीक सर है, ठीक क्लियर है है। हाँ जी हाँ जी, सेम इसी तरह से मान लीजिए मुझे टेबल लिखना है, तो मुझे 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से करना है ना, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करना है।
तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, अब इसको ड्रैग करना है। अब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो आपका D13 था और D12 था, जो 5 था आपका है, वो क्या हो गया, 13 हो गया, उसको रोकना है ना। हाँ जी, तो मैंने इसके 12 के आगे हमने क्या कर दिया, डॉलर का साइन लगा दिया। एब्सोल्युट। तो नीचे ड्रैग करेंगे तो 5 का टेबल आ जाएगा, आ गया सर। राइट, लेकिन जब इसी चीज को लेके राइट की तरफ करेंगे तो क्या होगा, यहां पे दिक्कत हो गई, क्योंकि यहां हाँ जी, जो हमारा C213 था, ये जो 2 था यहां पे दिख रहा था 2 सर, वो यहां पे हाँ क्या जी, हो हाँ गया, जी, D हो गया, D13। तो D13 हो गया। तो मुझे C के आगे डॉलर लगा देना। तो कहने का मतलब कि डॉलर साइन क्या करता है, अब्सोल्यूट रेफरेंस, रेफरेंस को फ्रीज एब्सोल्यूट कर देता है। वैल्यू को एब्सोल्यूट कर देते हैं। जी हाँ, जैसे मर्जी इसको इस तरह से आपको ड्रैग कर सकते हैं। ओके आगे सर। रिजल्ट सर, क्लियर हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? है सर। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आज की ओके सर, क्लासेस। अब आता है आज का प्रोजेक्ट जो आपको करके देना है। सबसे पहले जो हमने चीजें कही की है आपको सबको नकल कर लेनी है। उसके बाद ये हाँ एक जी, कैश मेमो बनाना है जिसमें आपको यहाँ पे सम वगैरह अप्लाई करनी है। ठीक है। ठीक है, बन जाएगा सर? वैल्यू सर रैंडम कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, कुछ भी, हमें फॉर्मेट चाहिए, वैल्यू से मतलब नहीं है, फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको बना के भेजिए, कल हम आपके साथ आगे क्लासेस डिस्कस करेंगे।